उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, हानिकारक पदार्थ कौन है? तो मिथाइल अल्कोहल है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती आदि वगैरह आती है, वो हानिकारक पदार्थ कौन है? मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल होगा। विकृतिकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? तो विकृति जो स्प्रिट होता है किस काम में आती है? तो वर्निश बनाने के काम में आती है, वर्निक बनाने में काम आती है। पावर अल्कोहल कौन है? पावर अल्कोहल उसे कहते हैं जो ईंधन के साथ क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल को मिलाया जाता है। ओके, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं पावर अल्कोहल को। ओके, पावर अल्कोहल का मतलब ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होगा। आपको बताए थे दोस्तों कि ग्लिसरॉल, ठीक है, बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बनाइएगा, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और गैसोहल बनाने के लिए पेट्रोल के साथ अल्कोहल मिलाया जाता है, तब वह गैसोहल बनता है। ओके, या गैसोलीन भी कहते हैं गैसोहल को। पावर अल्कोहल में ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होता है। टिंचर आयोडीन क्या होती है? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन होता है। टिंचर आयोडीन का मतलब होता है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन का मतलब क्या होता है? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। दोस्तों विकृत अल्कोहल से क्या होता है? इसके पीने से क्या होता है? विषैले पदार्थ होते हैं, पीने के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि यह विषैले पदार्थ होता है। विकृतिकृत अल्कोहल क्या होते हैं कि पीने के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि यह विषैले पदार्थ होता है, वर्निश बनाने में काम में आता है। ओके, विकृतिकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए ये वर्निश बनाने में काम आते हैं। संशोधित स्प्रिट कौन होता है? तो 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है, 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल। संशोधित स्प्रिट कौन होता है? 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल होगा। संशोधित स्प्रिट होगी कौन? 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल होगा। परिशुद्ध अल्कोहल होता है कितना? परिशुद्ध अल्कोहल कितना होगा? 100% इथाइल अल्कोहल होगा। ओके, 100% इथाइल अल्कोहल होगा, 100% इथाइल अल्कोहल होगा परिशुद्ध अल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है जिससे कि चेहरे पर ठंडक महसूस होती है, इस घोल में यह किस यौगिक का मिश्रण होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। जो दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर लगाई जाती है जिससे ठंडक महसूस होता है, वह इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। ओके, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। कैसी अभिक्रिया? किण्वन ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी है। किण्वन कैसे अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी है। किण्वन कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ना कि अवक्षेपी, अवक्षेपी नहीं, अवक्षेपी, अवक्षेपी अवशोषी नहीं है बल्कि अवक्षेपी होगी। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल होगा। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होगा। ओके, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोहल, गैसोलीन निम्न में से किसका मिश्रण होता है? गैसोहल जो होता है कि गैसोलीन किसका मिश्रण होता है? आपको बता दिए थे इथाइल अल्कोहल का होता है मिश्रण। दोस्तों पेट्रोल के साथ इथाइल मिलाया जाता है यानी अल्कोहल मिलाया जाता है तो गैसोहल बनता है, ठीक है। बताए थे इथाइल अल्कोहल यानी होता होगा अल्कोहल का मतलब इथाइल अल्कोहल होगा, मिथाइल अल्कोहल तो नहीं ये होगा, इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। जबकि मिथाइल अल्कोहल तो बूड स्प्रिट के भी नाम से जाना जाता है और ये हानिकारक होता है। C2H5OH निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो इथाइल अल्कोहल का है, ठीक है, जो गैसोहल में प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, या गैसोलीन में बनाने में प्रयोग किया जाता है
इथाइल अल्कोहल का, और एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, सिरका क्या है दोस्तों, जरा इसका फार्मूला बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है आपका, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो वुड स्प्रिग के नाम से जाना जाता है, या विकृतकृत अल्कोहल, वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ओके, वुड अल्कोहल। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के दो परिणाम से होता है, तो किण्वन से होता है। शराब का निर्माण कैसे होता है, किण्वन से होता है। ओके, इथिलीन की प्रतिक्रिया परमैंगनेट के क्षारीय और ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है क्या, तो इथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, इथिलीन की प्रतिक्रिया परमैंगनेट से के क्षारीय और ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है क्या, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन की प्रतिक्रिया परमैंगनेट के क्षारीय, परमैंगनेट के क्षारीय, परमैंगनेट के क्षारीय और ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है इथिलीन ग्लाइकोल। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथाइलिक एसिड, तो निम्नलिखित प्रतिक्रिया से टेरिलीन बनाई जाती है कैसे, तो टेट्राथाइलिक एसिड से टेरिलीन बनाई जाती है किससे, टेट्राथाइलिक एसिड अम्ल और इथिलीन ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। टेरिलीन कैसे बनेगा, टेट्राथाइलिक एसिड, टेट्राथाइलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, इथिलीन नहीं बल्कि इथिलीन ग्लाइकोल होगा, टेट्राथाइलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल से बनेगा टेरिलीन। टेरिलीन कैसे बनेगा, तो टेट्राथाइलिक एसिड होगा दोस्तों और इथिलीन ग्लाइकोल दोनों मिलेगा, टेट्राथाइलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों के निर्माण से क्या बनेगा, टेरिलीन बनता है। तो बोलिएगा टेरिलीन कैसे, पूछेगा कोई एग्जाम में कि टेरिलीन कैसे बनता है, तो आप बताएगा टेरिलीन अम्ल और इथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तब बनेगा टेरिलीन। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में किसका प्रयोग होता है, तो पानी और इथिलीन ग्लाइकोल का होता है। शीत प्रधान जो देश होता है ना, उसमें ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रीज मिश्रण का, एंटी फ्रीज मिश्रण में किया जाता है, रेडिएटर में एंटी फ्रीज मिश्रण को मिलाया जाता है, रेडिएटर में एंटी फ्रीज का मिश्रण को मिलाया जाता है, किसका मिलाया जाता है, एंटी फ्रीज के मिश्रण को मिलाया जाता है दोस्तों। इस मिश्रण में क्या होता है, पानी और इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, ठीक है। इस मिश्रण में कौन होता है, पानी और इथिलीन ग्लाइकोल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, जलीय घोल क्या कहलाता है, तो फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फॉर्मेलिन कहलाता है, क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। पायरीन का फार्मूला क्या होता है, क्या टेट्राक्लोरो मीथेन होता है। एसिटिलीन खाना बनाने, फल के पकाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। ओके, और क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिया में यूज किया जाता है। यूरोट्रोपिन क्या होता है, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन होता है। ओके, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन होगा, ठीक है, ट्राईएमीन नहीं बल्कि टेट्राएमीन होगा, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन। यूरोट्रोपिन क्या होता है, जो मूत्र रोगों में प्रयोग किया जाता है इस दवा का, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन होगा, ट्राईएमीन नहीं बल्कि टेट्राअमीन होगा, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन होगा यूरोट्रोपिन। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन के बीच में नहीं हो सकता है क्या, एक हेल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता किसके बीच, एल्डिहाइड एंड ईस्टर के बीच, एक एल्डिहाइड है एक ईस्टर, एक एल्डिहाइड एक ईस्टर के बीच अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। कंडेंसेशन को संघनन भी कहते हैं हिंदी में, अल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में नहीं हो सकता, तो एल्डिहाइड और ईस्टर के बीच में। पायरोलिग्निस एसिड का अवयव कौन होता है दोस्तों, पायरोलिग्निस एसिड का अवयव कौन होगा, तो एसिटिक एसिड होता है, हाँ होता है। पायरोलिग्निस कहाँ से पाया जाता है, कास्ट से पाया जाता है, और जिसमें एसिटिक एसिड कितना होता है उसमें 10% होता है पायरोलिग्निस एसिड में।
ओके, मिथाइल अल्कोहल भी होता है, मिथाइल अल्कोहल भी होता है। ओके, जिसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट भी कहते हैं, स्प्रिट। ओके, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। एसीटोन भी होता है, क्या होता है? इनमें से सभी होगा। कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्निस एसिड में क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड होता है, 10% एसिटिक एसिड, ठीक है, एथेनॉल नहीं बल्कि एसिटिक एसिड होगा। 10% एसिटिक एसिड पायरोलिग्निस एसिड में क्या होगा? 10% एसिटिक एसिड होगा पायरोलिग्निस एसिड में क्या होगा? 10% एसिटिक एसिड होगा। बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांस एस्टरीफिकेशन किया जाता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन, बायोडीजल के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन का, बायोडीजल के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? तो लाल चींटी द्वारा और इसके द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा। फॉर्मिक एसिड, चींटी या मधुमक्खी काटने पर डंक में निम्न से द्रव कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, और मेथेनोइक एसिड किस में होता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। तो चींटी या मधुमक्खी काटने पर फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। निम्न से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो कौन सा अम्ल सिरका में उपस्थित होता है? एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड। किस में होता है? सिरका में, ठीक है। सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है, ठीक है, नींबू में, टमाटर में। सीरा अति उत्तम कच्चा माल किसका? एसिटिक एसिड का। सीरा अति उत्तम कच्चा माल, अति उत्तम कच्चा माल किसका? एसिटिक एसिड का है। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? साइट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ओके, साइट्रिक एसिड पाया जाता है टमाटर सॉस में। ओके, साइट्रिक एसिड ना कि एसिटिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिरका में यानी जलीय विलयन का 5% एसिटिक एसिड होगा, ठीक है, तब वह सिरका कहलाएगा। 5% क्या होना चाहिए? एसिटिक एसिड जल में, ठीक है, क्या होगा? जल में 5% तो एसिटिक एसिड कहलाएगा। ओके, ब्यूटारिक एसिड किस में होता है? खराब हुए मक्खन में यानी खट्टा मक्खन में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों? तिक्त स्वाद यानी एसिटिक एसिड के कारण। आइए, जल में 5% होता है, जलीय विलयन में, ठीक है, इसलिए तिक्त स्वाद होता है एसिटिक एसिड। ओके, सिरके का तिक्त स्वाद, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, आप ज़रा बताइएगा? तो ये पाया जाता है आपको इमली में। ओके, साइट्रिक एसिड नींबू में, लैक्टिक एसिड दही दूध में, ठीक है। सिरका होता है क्या? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन, जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन। सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक एसिड का 5% विलयन। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है खट्टापन, ठीक है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड 5%। जल में जिसे हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। ओके, 5% एसिटिक एसिड हो जिसे हम सिरका कहेंगे। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? तो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाएगा तभी, यश। ओके, पायरोलिग्निस एसिड कहाँ से पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? साइट्रिक एसिड के कारण, ठीक है, साइट्रिक एसिड के कारण। एसिटिक एसिड 5% जलीय विलयन में हो तो सिरका कहलाया जाएगा। ओके, और पायरोलिग्निस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, पायरोलिग्निस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड के लिए कौन होगा? दूध होगा, A3। ओके, एसिटिक एसिड के लिए कौन होगा? सिरका होगा, B4। A3 B4। ओके, एसिटिक एसिड किस में होगा?
साइट्रिक एसिड नींबू में होगा, साइट्रिक एसिड किस में होगा, नींबू में, तो सी का वन, सी का वन कौन होगा, तो ये ही आपको दिख रहा है ना, और भी है कहीं सी का वन नहीं, तो ये आंसर सही होगा। अब ब्यूटारिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड, ओके, सिरका में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड तुम्हारा कहाँ होता है, दूध में होता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, और सोडियम का बाइकार्बोनेट बनाने में भी टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में टार्टरिक एसिड होता है अंगूर में, ठीक है, और इमली में, लैक्टिक एसिड दूध दही में होता है जिसके कारण खट्टा भी महसूस होता है, ठीक है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली में कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक नहीं टार्टरिक होगा, ठीक है टार्टरिक एसिड होगा, साइट्रिक नींबू में होता है 10%, अगर एसिडिक एसिड होगा तो समझिए किस में होगा, पाइरोलिग्निस अम्ल में होगा, ठीक है, जो कास्ट के से बाया जाता है, और 5% अगर एसिडिक एसिड जल में मिलाते हैं तो सिरका बनेगा, ठीक है, तो निम्न अम्ल में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक एसिड का बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड का। फोटोग्राफी के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया गया है, तो फोटोग्राफी के निर्माण में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया गया है, फोटोग्राफी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी के निर्माण में, और ये किस रूप में होता है, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है, ठीक है, और टमाटर में भी होता है, एसिटिक एसिड 10% अगर हो तो कहाँ पाया जाता है, पाइरोलिग्निस एसिड में पाया जाता है, 5% अगर एसिटिक एसिड हो तो सिरका कहा जाएगा, जलीय बिलिया में मिला हुआ, और फॉर्मिक एसिड चींटी डंक मधुमक्खी में पाया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड बोला है ना, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड अभी बताएं फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, ठीक है, स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त होता है क्या, तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक एसिड, ओके, स्याही के धब्बे को मिटाने में किसका प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, मिट्टी के तेल का, नहीं ऑक्जेलिक एसिड के, कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ओके, कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी कौन सी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव के गुर्दे में बनेगी, ओके, डॉक्टरों की राय है गुर्दे एवं गाल ब्लाडर दोनों, गुर्दे एवं गाल ब्लाडर दोनों पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा टमाटर अंडे दूध दही गोभी नहीं खानी चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बने, ये क्या है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है, क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है ना। निम्न कार्बन में से किसे आयरन यौगिक के दाग को निकाला जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड से आयरन के दाग को निकाला जाता है, कार्बनिक यौगिक ये है, ठीक है, यानी ऑक्जेलिक एसिड जिससे कि आयरन लोहा का दाग को निकाला जाता है कपड़े से। पीछे पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस नाम से जाना जाता है, आपको हिस्ट्री अलग बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में जाना जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है, जिसके खाने से कहता है डॉक्टर के टमाटर ये सब पाला को मना कर देता है, ठीक है, तो पौधे की कोशिका में किस रूप में होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं, पूर्तिरोधी के रूप में काम करते हैं, आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, यूरिया को, जिसमें 46% ऑफ नाइट्रोजन होता है, ओके, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NH2CONH2 होता है, ठीक है,
यूरिया का सूत्र होगा NH2CO NH2, और ये अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, जो सब्लिमेशन प्रोसेस देगा, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस देगा, बताए थे आपको। निम्न में से किसे कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है? यूरिया को कार्बामाइड, ठीक है, कार्बामाइड, कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। यूरिया को कार्बामाइड, कार्बामाइड, कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है किसको? यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है किसको? यूरिया को, ओके, कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है किसको? यूरिया को। किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? यूरिया में, जिसमें 46% होता है यूरिया, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो अमाइड के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमाइड, अमाइड के रूप में दोस्तों, किस में होता है? अमाइड के रूप में होता है। ये सुनते रहिएगा दोस्तों रेगुलर, ठीक है, जिससे कि याद हो जाए आपको। इसे बीच बीच में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितना होती है? 46%। अगर और कुछ भी चाहिए तो बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं और आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा 46% होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? बोलर ने किया था, ठीक है, बोलर ने, वो लर ने, वो लर ने, वो हलर ने, वो हलर ने किया था। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोहलर ने किया था। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को। एरोमेटिक यौगिक के जन्मदाता किसे कहते हैं? बेंजीन को कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक, अरे एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक के जन्मदाता कौन है? बेंजीन है, बेंजीन है एरोमेटिक यौगिक के जन्मदाता, ठीक है। हाइपो हेक्सा क्लोरो बेंजीन का फॉर्मूला जो कीटाणु नाशक होता है, ठीक है, तो गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है, गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। देखिए गैमेक्सिन का फॉर्मूला इस प्रकार होता है, हेक्सा क्लोरो, ठीक है, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो बेंजीन इज नोन एज द गैमेक्सिन, ओके, हेक्सा क्लोरो बेंजीन इज नोन एज द गैमेक्सिन, क्या कहलाता है? गैमेक्सिन क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहलाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहलाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहलाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहलाता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। गैमेक्सिन है क्या? एक कीटाणु नाशक है, क्योंकि ऑलरेडी है कि इसमें क्लोरीन ज़्यादा है, तो ये कीटाणु नाशक ही हो सकता है दोस्तों। ऐसे भी आप फार्मूला से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हेक्सा क्लोरीन होता है ना, और बेंजीन के साथ, इसलिए गैमेक्सिन इसका नाम है। और गैमेक्सिन क्या है? कीटाणु नाशक है, ठीक है, कीटाणु नाशक है। डायनामाइट के आविष्कारक किस कौन है? अल्फ्रेड नोबल है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? एक विस्फोटक है, ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक है। कीटाणु नाशक किसे कहते हैं? हेक्सा क्लोरो बेंजीन को कहते हैं, हेक्सा क्लोरो बेंजीन को कहते हैं। ट्राई क्लोरो बेंजीन किसे कहते हैं? जिसे ट्राई क्लोरो बेंजीन आपका कीटाणु नाशक हो गया, जबकि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन आपका क्या होगा? विस्फोटक होगा। ट्राई क्लोरो खाली बेंजीन, भले कीटाणु नाशक, ओके, अब ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या होगा आपका? विस्फोटक होगा, विस्फोटक। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या होगा? विस्फोटक होगा। ट्राई नाइट्रोटोलिन है एक क्या? ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या है? एक विस्फोटक है, ओके। और हेक्सा क्लोरो बेंजीन आपका कीटाणु नाशक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन और ट्राई नाइट्रोटोलिन, ओके, ये तीनों दोनों ही क्या? विस्फोटक है। मीरवेन के तेल के नाम से जाना जाता है किसे? नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन के तेल से किसे नाम जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है, ओके। मीरवेन के तेल से किसे जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन के तेल के नाम से जाना जाता है किसे? नाइट्रोबेंजीन को। एनिलीन का कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है किसका? एनिलीन का। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग किया जाता है एनिलीन का, ओके। और मीरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। मीरवेन का तेल किसे कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है DDT क्या है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो मीथेन। ओके डाई क्लोरो डाई फिनाइल, सॉरी दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था सिस्टम में, तो सुधार कर लिया गया है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम क्या है, तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन, मीथेन नहीं बल्कि ईथेन, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। ओके ट्राई क्लोरो ईथेन DDT का पूरा नाम होगा। ठीक है, DDT का नाम डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन, ईथेन होगा ना कि मीथेन, DDT के नाम से जाना जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, आंसू गैस का नाम क्या है, तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन कहा जाता है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन कहा जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन होगा। दवा बनाने के काम में आता है कौन, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का दवा बनाने के काम में आता है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड आपको वनस्पति में भी पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड साइट्रिक एसिड नींबू में होता है दोस्तों, तो बेंजोइक अम्ल किस में होता है, बनाने में प्रयोग होता है, दवा बनाने में प्रयोग होता है बेंजोइक एसिड का। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जा सकता है, सोडियम बेंजोइट मिलाया जा सकता है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक टिकाऊ बनाना है तो सोडियम बेंजोइट मिलाना होगा टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइक अम्ल का। अरे ये तो राजा है दोस्तों एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपके मधुमक्खी चींटी के डंक में होता है, एसिटिक एसिड अगर 5% जलीय विलयन में हो तो समझिए सिरका कहलाएगा, वही 10% अगर वो पाइरोलिग्नस एसिड में है तो आपका एसिटिक एसिड कहलाएगा। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो खाने के पदार्थ के वस्तु के प्रशिक्षण में किया जाता है सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। खाने वाला जो पदार्थ है उसकी परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोइट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है, सोडियम बेंजोइट है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन होगा, सोडियम बेंजोइट होगा। फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन प्रयोग होता है, बेंजोइक एसिड होता है। फूड प्रोसेसिंग में किसका प्रयोग होता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है किस में, जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्या, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरो एसिटोफिनोन दिया हो तो क्लोरो एसिटोफिनोन मारिए, या अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन कहिए। ठीक है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में क्लोरीन का भी यूज किया जाता है इसलिए अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, C6H5OH को कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल C6H5OH। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, C6H5OH यानी फिनॉल को कह सकते हैं। ठीक है, फिनॉल C6H5OH को फिनॉल कहते हैं ना, उसी प्रकार कार्बोलिक अम्ल को फिनॉल कहते हैं, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहिए या C6H5 को फिनॉल कहिए, तीनों एक ही है, तीनों कार्बोलिक अम्ल कौन होगा, C6H5OH। भोपाल गैस त्रासदी के लिए मुख्य प्रदूषक कौन था, मिथाइल आइसोसाइनेट था दोस्तों। क्लोरीन का अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन में आंसू गैस के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों क्लोरीन का। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है,
नेपथलीन का मुख्य स्रोत कौन है? कोलतार होता है दोस्तों। नेपथलीन का मुख्य स्रोत कौन होता है? कोलतार होता है। नेपथलीन का मुख्य स्रोत कौन है? कोलतार होता है। ओके। डीजल उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए जाना जाता है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए ट्रैक्टर में यूज किया जाता है। फौजिन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है दोस्तों? फौजिन किसका सामान्य नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड होगा। फौजिन किसका सामान्य नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड का। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड का फौजिन नाम है। कार्बोनिल क्लोराइड का क्या नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड का क्या नाम है? फौजिन नाम है। फौजिन नाम किसका है? कार्बोनिल क्लोराइड को। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड का फौजिन नाम है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या कहते हैं दोस्तों? पायरिन कहते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या कहते हैं? पायरिन कहते हैं। पायरिन अग्निशामक में भी यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो होता है फ्लोरोकार्बन को कहते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है? तो फ्लोरोकार्बन को कहते हैं। ओके, टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन को कहते हैं टेफ्लॉन। और ये बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। आर्नॉल किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलो नाइट्राइल से। आर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रीलो नाइट्राइल से। एक्रीलो नाइट्राइल, एक्रीलो नाइट्राइल से। आर्लॉन किससे बनता है दोस्तों? ऐसे बोलते रहिए, आर्लॉन किससे बनता है? एक्रीलो नाइट्राइल से। एक्रीलो नाइट्राइल से। ओके, आर्लॉन किससे बनता है? एक्रीलो नाइट्राइल से। अब विनाइल क्लोराइड किस बनता है? पीवीसी को कहते हैं विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी। आर्लॉन किससे बनता है? एक्रीलो नाइट्राइल से। आर्लॉन किससे बनता है? एक्रीलो नाइट्राइल से। क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरो इथिलीन, क्लोरो इथिलीन होगा, इथाइन नहीं, इथिलीन। क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से, क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से इसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है, क्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? बहुलीकरण से तो पॉलीविनाइल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है दोस्तों? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं होगा, लेकिन रेशम है, ऊन है और चमड़ा है, ये प्राकृतिक बहुलक है। रेशम है, ऊन है, चमड़ा। रेशम, ऊन, चमड़ा, रेशम, ऊन, चमड़ा, ये प्राकृतिक बहुलक है। रेशम, ऊन, चमड़ा क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो टेफ्लॉन आपका पॉलीमर नहीं है। टेफ्लॉन आपका क्या है? पॉलीमर नहीं है। टेफ्लॉन आपका पॉलीमर नहीं होता है। टेफ्लॉन से बर्तन बनाया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन से। फ्री ऑन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ज़रा बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो टेफ्लॉन नहीं, बाकी नायलॉन पॉलीमर है, कैप्रोलैक्टस है, पॉलीसाइट्री है। ठीक है, पॉली इसलिए पॉलीमर कहा जा रहा है, कैप्रोलैक्टस है। ठीक है, और नायलॉन ये सब क्या पॉलीमर है, लेकिन टेफ्लॉन पॉलीमर नहीं है। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से बहुलक का बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने किया जाता है प्रयोग दोस्तों? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का बुलेट प्रूफ खिड़की, बुलेट प्रूफ खिड़की, बुलेट प्रूफ खिड़की बनता है किससे? पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ खिड़की किससे बनता है? पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ खिड़की किससे बनता है दोस्तों? पॉलीकार्बोनेट से। ओके, निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का किया जाता है। टेफ्लॉन का ना चिपकने वाला कढ़ाई का निर्माण किससे होता है? टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन का होता है। ओके, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, विनाइल क्लोराइड से। या डाई क्लोरोइथिलीन से, क्लोरोइथिलीन, क्लोरोइथिलीन से बनता है। क्लोरोइथिलीन से बनेगा कौन? पीवीसी। ओके, टेफ्लॉन ना चिपकने वाली कढ़ाई का निर्माण टेफ्लॉन का से होता है। प्लास्टिक वस्तुता क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, उच्च बहुलक होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं।
बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। बेकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट बनता है किससे? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। बेकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। बेकेलाइट किससे बनेगा? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। निम्न में से किसके बहुलककरण से पीवीसी बनता है? तो विनाइल क्लोराइड के, विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है विनाइल क्लोराइड से। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। बरसाती रेनकोट किससे बनाए जाते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट से। देखिए पॉलीकार्बोनेट से आपका बुलेट प्रूफ खिड़की बनता है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट बरसाती कपड़ा किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट से ही रेनकोट भी बनाया जाता है, रेनकोट भी बनाया जाता है और बुलेट प्रूफ खिड़की बनाया जाता है दोस्तों। ओके, ऐसे आप सुनते रहिएगा रेगुलर, अगर चैनल पर बने रहिएगा तो आपको एक ये बढ़िया बढ़िया मटेरियल ला के इस पर डालूँगा दोस्तों, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में किया जाता है? पॉलीइथिलीन का किया जाता है। ओके, पॉलीइथिलीन का। टेट्राफ्लोरोइथेन क्या है दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या बनता है आपका? पीवीसी बनता है। ओके, निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशा कौन है? रेशम आपको तो पता चल ही रहा है कि ये प्राकृतिक रेशा कीड़े के द्वारा दिया जाता है, तो रेशम ही होगा प्राकृतिक रेशा। रेयॉन जो होगा ये सब अथी बनाया हुआ है। नायलोन आपका सबसे पहले रेशा बनाया गया था। ओके, सबसे पहले नायलोन बनाया था। नायलोन बनता एडीपिक एसिड से, नायलोन बनता एडीपिक एसिड से। ओके, सबसे पहले नायलोन ही बना था कृत्रिम रेशा। ओके, तो आपका आंसर ये होगा। मोम क्या है? मोम एक एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एक वैक्स क्या है? एल्डिहाइड है। ओके, वैक्स कहाँ? एल्डिहाइड है, जो कहाँ से पाया जा सकता है दोस्तों? पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से, ठीक है। लाह एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। लाह क्या? एक प्राकृतिक बहुलक है। लाह क्या है? एक है? जिसे लैक भी कहते हैं, LAC लैक। एक क्या प्राकृतिक बहुलक है? लाह क्या एक प्राकृतिक बहुलक है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है किसका? कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, रेयॉन नाम है। कृत्रिम रेशा का और भी नाम क्या है? रेयॉन, ठीक है, रेयॉन भी नाम है। ओके, कृत्रिम रेशा का, हालांकि नायलोन भी कृत्रिम रेशा है। ओके, लेकिन बोला ये भी नाम है, रेयॉन भी नाम है, ठीक है, डेक्रॉन भी नाम है, ये सब। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? नायलोन है, नायलोन जो एडीपिक एसिड से बनता है लैब में। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, प्रथम कृत्रिम रेशा है मान नायलोन, ठीक है। और रेयॉन भी कृत्रिम रेशा को कहा जाता है, कृत्रिम रेशा को रेयॉन भी कहते हैं। ओके, मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा कौन है? नायलोन है। नायलोन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, नायलोन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ किसका प्रयोग किया जाता है? एडीपिक एसिड का। नायलोन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? एडीपिक एसिड का है। ओके, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO होता है दोस्तों। नायलोन एक क्या है? ये पॉलीअमाइड है। नायलोन क्या है? एक पॉलीअमाइड है। ओके, जो एडीपिक एसिड का यूज किया जाता है, नायलोन एक क्या है? पॉलीअमाइड है, जो एडीपिक एसिड का यूज किया जाता है। नायलोन एक क्या है? पॉलीअमाइड है। नायलोन एक क्या है पॉलीअमाइड है। बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो माइकल फराडे ने बेंजीन की खोज की थी। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फराडे ने
खोज किया था बेंजीन की। बाल्कीकरण की प्रक्रिया में रबर बनाने की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुड ईयर ने। चार्ल्स गुड ईयर ने चार्ल्स गुड ईयर गुड ईयर गुड ईयर यानी जिस समय रबर को बाल्कीकरण किया वो अच्छा ईयर था यानी चार्ल्स गुड ईयर। एक तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बाल्कीकरण प्रक्रिया में रबर बनाने की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुड ईयर ने किया था। प्राकृतिक रबर का बल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? गंधक के साथ गर्म करते हैं। प्राकृतिक रबर का बल्कीकरण करना है तो गंधक के साथ गर्म कर दो, ठीक है। यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं। कार्बन मोनो नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तब यूरिया बनेगा, ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण कौन है? फ्रक्टोज है। फलों के मीठे स्वाद होने के कारण कौन है? फ्रक्टोज है। फलों के मीठे होने के कारण कौन है? फ्रक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है किसके? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के है। ओके, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के है। संयोग से बिच्छू यानी बिच्छू बूटी जिसे नेटॉल भी कहते हैं। बिच्छू बूटी को क्या कहते हैं? नेटॉल कहते हैं। बिच्छू बूटी को क्या कहते हैं? नेटॉल कहते हैं। उसकी पत्तियों को छूने पर हाथ में जलन पैदा हो जाती है, ठीक है। नेटॉल देखो छूने पर पत्ती हाथ में जलन पैदा होती है या किसके अंतक्षेपण के कारण होता है? तो मेथनोइक एसिड घुस जाता है हाथ में। मेथनोइक एसिड हाथ में घुस जाता है निटोल की पत्ती छुएंगे तब। ओके, साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। राजो एसिड का राजा सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाते हैं। ओके, कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? देखिए TNG है, TNT है। ओके, और पोटेशियम क्लोराइड है। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म आपका ये नहीं होगा विस्फोटक। ओके, बाकी TNG है, TNB है। ओके, TNG है, TNB है और पोटेशियम क्लोराइड भी है। ये सब विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। ओके, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG को कहते हैं। TNG को नोबेल तेल है, ठीक है। नोबेल ऑयल भी कहते हैं। नोबेल ऑयल किसे कहते हैं? TNG को। नेवल ऑयल किसे कहते हैं? TNG को। नोबेल ऑयल किसे कहते हैं? TNG को। TNP ये सब क्या विस्फोटक है? ताजे धावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। ताजे धावों के लिए आयोडीन एक टिंचर रोधी प्रतिरोधी है या तात्विक आयोडीन का तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या? एसीटोन नहीं होता है। ओके, ताजे धावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। आयोडीन एक प्रतिरोधी है। तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता क्या? एसीटोन होता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। यस, पेट्रोल में जो लेड होता है, ठीक है, उसे विलोपन में सहायक करता है लेड ऑक्साइड। इथिलीन डाइब्रोमाइड इसका फार्मूला देखिए कैसे होता है दोस्तों। इथिलीन डाइब्रोमाइड ब्रोमाइड होगा, ठीक है। इथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि यह लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायक करता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड पेट्रोल को मिलाने पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन में सहायक होता है। निम्नलिखित कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, रेशम प्राकृतिक बहुलक है, चमड़ा भी प्राकृतिक बहुलक है, ऊन भी प्राकृतिक बहुलक है, नायलोन नहीं होगा। नायलोन बनाने के लिए एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नायलोन ही बनाया गया था लैब में दोस्तों, ठीक है। कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशा है? गैर सेलुलोसी रेशा कौन होगा नायलोन होगा, ठीक है। नायलोन गैर सेलुलोसी रेशा होगा। ओके, गैर सेलुलोसी रेशा है। किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो एंटीसीड का अपच का उपचार। तो कौन सा औषधि है जो अपच के उपचार में करते हैं? तो एंटीसीड का प्रयोग करते हैं। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन है?
तो पीरानाशक एस्पिरिन है। पीरानाशक कौन है? एस्पिरिन है। यूरोट्रोपिन तो आपको पेशाब उशाब के लिए दवा में बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म आपका बेहोश करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इथाइल अल्कोहल आपको पीने उने के लिए प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन पीरानाशक है दोस्तों। कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, बायोलॉजिकली तरीके से नहीं तोड़ा सकता, किया जा सकता है, क्योंकि ये थर्मोप्लास्ट है ना, थर्मोप्लास्ट है, इसलिए बहुलक है जिसे निम्नीकृत नहीं कर सकते, ठीक है, डिग्रेडेबल नहीं कर सकते। बाकी प्रोटीन स्टार सेलुलोज को कर सकते हैं। पॉलीथीन अब पीवीसी क्या है? बायो डिग्रेडेबल है, यानी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। सॉरी दोस्तों, फिर सिस्टम में खराबी हो गई, लेकिन आंसर सही था, थर्मोप्लास्टिक होगा। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। कभी कभी सिस्टम में आ जाती है खराबी दोस्तों। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन वैज्ञानिक ने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। यूरिया में 46% होता है नाइट्रोजन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता और समचतुष्फलक के चारों किनारों की दृष्ट होती है। यह कार्बन केंद्रों में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीवल एंड वॉन्ट हॉक ने दिया था। लीवल एंड वॉन्ट हॉक ने दिया था। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन पक्का होता है हर कार्बनिक यौगिक में दोस्तों, ठीक है। तो सिस्टम में खराबी आने के कारण इसके लिए क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। चैनल पर पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही आने वाले टोटल वीडियो को लाते रहूँगा दोस्तों।